हिमालयन क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण हिमाचल प्रदेश को बीती बरसात में हुई भयंकर जैसी आपदाओं का सामना कर पड़ रहा है। बीते कुछ वर्षों से तापमान में अचानक से बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसका सीधा असर प्रकृति के साथ मानवता पर भी देखने को मिल रहा है। शिमला में अचानक तापमान बढ़ रहा है, बर्फबारी भी न के बराबर हो रही है, जिसके चलते कृषि और पर्यटन आर्थिकी पर बुरा असर हो रहा है। इन्हीं सभी ज्वलंत मुद्दों को लेकर तीन दिवसीय शिमला क्लाइमेट मीट का आज से एक्शन एड शिमला कलेक्टिव और मानव विकास संगठन संयुक्त रूप से आयोजन कर रही है। क्या आप लोगों को पता ही है कि पिछले साल हमने अगस्त में और सितंबर में बहुत ही बारिश का एक्सपीरियंस किया था, तो इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन उस वक्त भी जो लोगों का कहना था वो यही था कि शुक्र है कि हम बच गए। दे डिडंट थिंक कि व्हाई दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग और क्यों हो रही है। तो हमने इस बारे में हमें जागरूक होना चाहिए कि हमेशा अपने बारे में ना सोचे, कभी औरों के बारे में भी सोचे, चाहे वो जानवर है, चाहे वो एनवायरनमेंट है, चाहे वो कोई और लोग हों, क्योंकि जो भी है, मतलब हम सब एक ही समाज में रहते हैं, हम सब एक ही उसमें रहते हैं, तो इसलिए सबको एक साथ चलने की वो होनी चाहिए। और अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट है जो वो डिग्रेड होता जा रहा है, और इसका मेन कारण ह्यूमन बीइंग्स ही है। बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग यू नो यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, द एनवायरनमेंट इज डिग्रेडिंग, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। और इसी चीज़ को हमने क्या करना है कि हमने लोगों को सेंसिटाइज करना है, हमने पीपल को अवेयर करना है कि कैसे हम इन चीज़ों को बचा सकते हैं और कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। और जैसे कि कुछ उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि हम जहाँ बहुत सारी गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ हम कारपूल का यूज़ करके, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। हम एफॉरेस्टेशन करके हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, और ज़्यादा पेड़ ना काट के हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। ये मतलब पिछले साल की बात नहीं है, जो भी एनवायरनमेंट चेंजेस हो रहे हैं, अनइवन पैटर्न हो रहे हैं रेनफॉल के, और जो सारी ये घटनाएं हो रही है उसकी वजह हम खुद है, बिकॉज हमने एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा डिग्रेड कर दिया, इतना ज़्यादा इसको यूज़ कर दिया है, इतने ज़्यादा एमिशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हम कर रहे हैं, तो उसकी वजह ये मेन रीज़न है ह्यूमंस, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से इस पे रोक लगाई जा सकती है? क्या खुद जागरूक होना पड़ेगा, यूथ को जागरूक करना पड़ेगा? इसके लिए पहले हमें तो खुद जागरूक होना पड़ेगा, हमें जब हमें खुद में चेंज आएगा तभी हम किसी को इंस्पायर कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट को कंजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब तक हम खुद से इनिशिएटिव ना ले तब कि हमें कैसे एनवायरनमेंट कंजर्व करना है, तब तक हम दूसरों को नहीं बोल सकते। इसलिए हमें पहले चेंज विद इन लाना पड़ेगा, उसके बाद हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं, कंजर्वेशंस कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, इस तरीके से हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं देखूं फॉर फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू मी, हमको तो पहले सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ घर से। जो हमारी जो घर बनाने की टेक्निक है वो हम नहीं करते, कुछ भी चीज़ हम मेजर नहीं करते हैं उसमें। एक होता है ना, प्रॉपर इंजीनियरिंग वाले वे से हम बनाएं तो दैट इज़ ओके, बट मैं एग्जांपल देती हूँ और फिर आपको समझा सकती हूँ। मतलब लास्ट हमने देखा कि धामी में एक जो है 5 मंजिला मकान गिरा है, तो क्या आपको पता है वो क्यों गिरा है? मतलब जिस तरीके से वो बनाया था, जिस तरीके का वो था, मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। मतलब अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे, हमें सिर्फ देखना है कि हमारा बजट कितना है, नॉट अबाउट ओनली बजट, इट्स ऑल अबाउट हमारा नेचर जो है, हमारे साथ जो चीज़ें चलती हैं उसके बारे में भी देखना पड़ेगा। हम एक चीज़ को लेकर नहीं चलते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू मी हमें सब चीज़ें साथ लेकर चलनी चाहिए और आगे देखना चाहिए कि अगर हम ये कर रहे हैं तो इसका ये रिज़ल्ट होएगा। और नेक्स्ट अबाउट हमें जो है वही है सस्टेनेबल, हाँ वही है, अवेयरनेस तो नहीं है। अगर मैं बताऊँ तो हिमाचल में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, इन द सेंस कि हम मान सकते हैं कि 40% है, बट अबाउट 60% नहीं है। तो फिर सबसे जो हमारा ये भी चला है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो ऑर्गेनाइज किया है ये बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि थ्रू दिस थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो जाएगी। मेरा नाम अयान सिंह बिष्ट है, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ और सेंट एडवर्ड स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या मानना है आपका, फ्यूचर में जो हादसे हुए हैं वो ना हो, इसके लिए क्या तैयारियाँ करनी चाहिए? जी, तो मैं कहता हूँ, पहले तो मैं एक शेर बोलूँगा कि रोज़ जाकर मंदिर में घंटी बजाता हूँ
रोज़ जाकर मंदिर में घंटी बजाता हूँ, सोया हुआ खुद हूँ पर जाकर भगवान को जगाता हूँ। तो जो स्टार्ट होता है वो हमेशा हमसे ही होता है। आपने को पता होगा हम इतने लालची हो गए हैं आज के समय में कि हम ये नहीं देखते कि वो ज़मीन कैसी है, वो ठीक भी है या नहीं। हम बस वहाँ बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं। और अभी आपने देखा ही होगा पीछे क्या हुआ था, यहाँ पर जो हमारी बिल्डिंग थी वो कोलैप्स हो गई थी, बिकॉज हमें पता है कि वहाँ का वो ख़राब था। और गवर्नमेंट ने भी इसमें हेल्प की थी, उन्हें गवर्नमेंट ने पहले ही वो डिक्लेयर कर दिया था कि ये एरिया इनसिक्योर है, तो आप इसके खाली कर दीजिए। पर हम लोगों ने खाली नहीं किया। अब आगे के समय में हम एक कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक तो हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए बहुत ज़्यादा। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट ही करते रहे सब कुछ, ऐसा तो नहीं होगा, तो हमें भी उतना ही काम करना पड़ेगा आगे की तरफ से। तो अवेयरनेस फैलाएं गवर्नमेंट की तरफ से, तो इतना ही होना चाहिए कि लाइक जो आपका इलीगल जो हमने बिठाए हुए लोग जो है रिस्ट्रिक्शन जो हमने लोग बैठे हुए हैं उनको वहाँ से निकालिए, क्योंकि वो बहुत ही इनसिक्योर एरिया हो गया है। अब आप शिमला की बात करें, इट वॉज डिज़ाइन फॉर 1 लाख पीपल, पर अभी के टाइम पे पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा है। और हमें पता कि मॉल रोड खुद भी एक थ्रेटन जोन में आ गया, और मेरा हमारे घर के आसपास भी ऐसा हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट और लोगों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि हम कल के लिए हमारा जो फ्यूचर है उसको हम ज़्यादा सिक्योर कर पाएँ। और ये मैं थैंक यू सो मच। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।